हेलो हेलो। सब अपने आप को अनम्यूट कर दो। आप अपने डिजाइन में लॉगिन बना लिया है? जो लास्ट अपनी क्लास हुई थी उसमें डिजाइन में लॉगिन बनाने के लिए मैंने कहा था, बनाया शिवांगी आपने? सर बनाया सर। आपने बना लिया? सर मैंने नहीं बनाया है, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ अभी भी, तो बना दूंगी चलो सर, फिर शुरू कल बन करते हैं। रहती तो हूँ। मैं आईपी इंडिया पे जाता हूँ। आईपी इंडिया में जाने के बाद ये मेन वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर खोलेंगे कंप्रिहेंसिव ई फाइलिंग। देखो हमारे पास, पहले हम देखते हैं हमारे पास केस क्या आया हुआ है। मेरे पास एक काम आया हुआ है, ये आइटम है, ये क्या लग रहा है आपको देखने से? बोलो किस चीज में यूज होता हुआ लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, इंडोर मेटल प्लांटर। यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए ऑफिस के अंदर ये लगाया जाता है, ठीक है? तो नॉर्मलों में इन्होंने चेंज कर रखा है इसमें, तो ये अपने इस डिजाइन को, यूनिक डिजाइन इन्होंने खुद बनाई है, तो इस डिजाइन को क्या कराना चाहते हैं, रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। तो ये किसके अंदर कवर होगा? डिजाइन एक्ट के अंदर। किसके अंदर कवर होगा बोलो? डिजाइन को रजिस्टर कवर करने के लिए कौन सा है? डिजाइन एक्ट है। ये हमारे पास काम आया है। अब डिजाइन एक्ट। हमें क्या करना है, इस आइटम की डिजाइन कोई कॉपी ना कर सके। तो हमने कहा हाँ जी कर देंगे, आपको डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो हमने उससे क्या बोला कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें चार चीजें चाहिए इसके लिए। एक तो आइटम की जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिजाइन है, उसकी 360 व्यू में फोटोज, कि वो फ्रंट से कैसा लगता है, बैक से कैसा लगता है, टॉप से कैसा लगता है ना? तो ये सारी फोटो हमने मंगा ली सारे एंगल्स में। दूसरा पार्टी का आधार कार्ड मंगा लिया है ना। आधार कार्ड बनाने के बाद आधार कार्ड आ गया, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आ गया। आप सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, हम पीओए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीओए। तो पीओए का डिजाइन का पीओए अलग फॉर्मेट होता है। आपके पास डिजाइन का फॉर्मेट दिया हुआ है मैंने? डिजाइन का फॉर्मेट नहीं है, पीओ का ये सारे डॉक्यूमेंट क्लास के बाद में डलवा दूंगा। ठीक है सर। तो उनके आधार पे, बेसिस पे हमने क्या बना लिया है, उनसे बोला कि आप पहले हमें क्या दो, पावर ऑफ अटॉर्नी दो। देखो जी ये क्या है, फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन, ये इसमें गलत डला हुआ है। डिजाइन एक्ट कौन सा है, 2000। यहां पर अप्लीकेंट का नाम लिखा, इनका नाम है फूलजान, है ना? इन्होंने पूरा एड्रेस लिख दिया, ऑथराइज निशांत अटॉर्नी, मेरा एड्रेस डाल दिया है ना। ये सारे केसेस के लिए एक डिजाइन का फॉर्मेट है, और इसमें डिजाइन की एक ही रजिस्ट्री है। कहाँ पर है? कोलकाता में। यहाँ पर नीचे क्या लिख दो, कोलकाता। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है जैसे हम ट्रेडमार्क में बनाते हैं, ये डिजाइन एक्ट का है, राइट? ये आप फॉर्मेट आप ले लेना। अब पीओए हमने क्या करा, साइन करके मंगा लिया। पीओए को हमने साइन करके मंगा लिया है। मंगाने के बाद क्या करा, अब हम एप्लीकेशन तैयार करेंगे। एप्लीकेशन तैयार करेंगे, तो एप्लीकेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले ये हमने पोर्टल खोला, या हम डिजाइन ई फाइलिंग पे गए। यहाँ से ई फाइलिंग करेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जैसे ट्रेडमार्क में क्या होता है, टीएमए, बोलो क्या होता है ट्रेडमार्क में, टीएमए। और यहाँ पर क्या होता है, टीएमए फॉर्म फॉर्म यहाँ होता है फॉर्म 1। वन और यहाँ कौन सा फॉर्म होता है, फॉर्म फॉर्म वन फॉर्म 1, ठीक है?
आप सबसे पहले यहाँ क्लास चूज करनी पड़ती है, वहां पर भी क्लास चूज करनी पड़ती है और यहाँ पर भी क्लास चुननी पड़ती है, ठीक है। अब ये बताओ इस प्रोडक्ट के हिसाब से मैं क्लास को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको कौन सी क्लास लग रही है? इनका किस चीज का काम है? इनकी क्लास जाएगी 11, आर्टिकल फॉर एडोर्नमेंट, सजावट का आइटम। एडोर्नमेंट मतलब सजावट। तो ये क्या है, ना इस क्या है, ये सजावट में तो यूज होता है। मेटल इंडोर प्लांटर है ये, है ना, तो आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स वगैरह लगते हैं उसके लिए होता है। तो ये क्या है, सजावट के लिए यूज होता है। तो हमने क्लास कौन सी चूज कर ली, 11, ठीक है। और इसमें एप्लीकेंट टाइप में क्या चूज करेंगे, ऑर्डिनरी, ठीक है। और एप्लीकेंट कितने हैं, एक। वन। और यहाँ पर एप्लीकेंट का क्या डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। एड्रेस कहाँ से डालेंगे, हम उठा के हम ले लेंगे पीओए से, पीओ से या आधार कार्ड, पीओ से। हाँ, पीओ से भी ले सकते हैं और आधार कार्ड से भी ले सकते हैं। हमने एड्रेस डाल दिया। अब एप्लीकेंट क्या है, इंडियन है। स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जी ये सारी चीजें हमने डाल दी। अब ये क्या है, नेचुरल पर्सन। कौन सा टाइप ऑफ आरडीएल में क्या चूज करेंगे, नेचुरल पर्सन। इसमें तीन तरह की कैटेगरी होती है, तीन, कौन सी, स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है, नेचुरल पर्सन है, अदर देन नेचुरल पर्सन। तो क्या मतलब हुआ, नेचुरल पर्सन के लिए डिजाइन में फीस है 1000 रुपीज, स्टार्टअप और स्मॉल एंट्रीज के लिए 2000 और अदर देन नेचुरल पर्सन के लिए 4000। रिपीट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलो सर। नेचुरल पर्सन के लिए 1000, स्टार्टअप के लिए 2000, अदर देन 4000। हाँ, मतलब जैसे हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं ना, इंडिविजुअल के लिए कितनी होती है, इंडिविजुअल के लिए 4500। हाँ, तो यहाँ पर 1000 रुपए, अदर देन इंडिविजुअल के लिए, स्टार्टअप और स्मॉल के लिए 2000 रुपीज, और अदर देन नेचुरल के लिए 4000, ठीक है जी। तो ये नेचुरल पर्सन हमने चूज कर लिया। सर अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने एमएसएमई ले रखा, तो 2000 फीस जाएगी ना उसकी। हाँ, आर्टिकल का नेम क्या है, मेटल का नेम क्या है, मेटल इंडोर इंडोर प्लांटर, ठीक है। अब इसमें से किसमें आएगा ये बताओ, ट्रिम टेबल मेटल, बड़ा सोचो जरा आप भी लोग। पहले तो आ गया, मतलब पहले हमने चूज कर लिया कि हाँ मैं एडोर्नमेंट की क्लास है सर, फोर में आएगा ये, फोर में है? फोर में आर्टिफिशियल फ्लावर इसमें आएगा शायद, फोर में। आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है ना, आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लावर थोड़ी ना, वो तो वो है। तो फिर तो मेटल में मिसलिनियस में डाल देंगे, मिसलिनियस में डाल सकते हैं फिर तो, मिसलिनियस में। यहाँ पर एड्रेस और सर्विस में क्या चूज करेंगे, इसकी जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है ना, ऑनलाइन नहीं आती, ऑफलाइन आती है कोलकाता से। तो सर जिसने पीओ फाइल किया था, उस अटॉर्नी के एड्रेस पर थी, क्लाइंट के एड्रेस पे जाता है वो, अटॉर्नी के एड्रेस पे आया ना, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि आप इसको पहले से यूज कर रहे थे। हाँ जी कर रहे थे, इसको हमने क्या कर दिया, सेव। अब अपलोड, बस सिंपल सी एप्लीकेशन है, देखो कितनी सिंपल है ना, इसका प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ क्लास बड़ी अच्छा, मतलब ढंग से डालनी है, नहीं तो पक्का इसमें क्या आ जाती है, ऑब्जेक्शन आ जाती है।
और इसमें ऑब्जेक्शन में रिप्लाई करने का टाइम 6 मंथ मिलता है। 6 मंथ तो ये सिंपल सा ऐसे फॉर्म तैयार होता है। तैयार होने के बाद क्या होते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट अपलोड हो। आप बताओ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? जब आप फॉर्म वन आपने निकाल लिया, उसका प्रिंट निकाला और हमने ये 3 डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक है। फॉर्म वन ये हमने क्या करना है, आपको क्लाइंट से या आप खुद साइन कर सकते हो, क्लाइंट से भी साइन करा सकते हो। साथ में क्या कर सकते हो, एक POA और एक क्या बनानी होती है, रिप्रेजेंटेशन शीट। क्या बनानी होती है? रिप्रेजेंटेशन शीट। ऐसे जितने भी फोटो होंगे सबको ऐसे डालोगे, रिप्रेजेंटेशन शीट। हाँ, बस फोटो डाल दो आप ऐसे सारे, जो भी आपके फोटो हैं वो डाल के। और यहाँ आपको क्या होगा, एप्लीकेशन को भी क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन शीट डालोगे आप। आपने लॉग इन बनाया नहीं ना, तो शायद आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, अजीब सा, ये आपने सेल्फ ट्राई नहीं कर रखा बिल्कुल भी। ये हमने रिप्रेजेंटेशन शीट को अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर क्या डालना है, फॉर्म वन जो आपने फाइल किया था ना, उसका प्रिंट निकाल के और उसको साइन करवाना है वो, और वो भी अपलोड कर दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या डालना है, पावर ऑफ अटॉर्नी डालना है। सर एक बार ये रिपीट करोगे, ये फॉर्म 24 अदर डॉक्यूमेंट में एक बार ये कौन कौन से ऊपर फॉर्म हो रहे हैं? क्या सर ये जो फॉर्म 24 लिखा हुआ है अदर डॉक्यूमेंट, और ये अभी हमारे इसका काम का नहीं है। अच्छा, क्योंकि नीचे वाली विंडो दिख नहीं रही जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा था ना, वहाँ समझ में नहीं आया कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ। समझ में नहीं आया, दोबारा करूँ? नहीं, वहाँ दिखा ही नहीं सर, वो विंडो जहाँ पे आपने अपलोडिंग करी है ना, वो चीज दिखी नहीं वहाँ पे, तभी मैं पूछ रहा था। तो मैं डिलीट करके दोबारा डाल, ठीक है। आपको अगर फॉर्म नया बनाने के लिए क्या करोगे, ऑल फॉर्म में दोबारा से नया फॉर्म फिल कर, फॉर्म वन। मैंने कौन सी चूज की करी थी, क्लास 11। इसमें कितनी क्लास होती है टोटल? 11, 32 क्लासेस, 32 क्लास है ना। तो हमने कौन सी चूज की? यस, 11। ऑर्डिनरी। एप्लीकेंट नेम क्या है उनका नाम? एप्लीकेंट नेम फूल जहान। फिर उनका क्या डाला, एड्रेस डाला। एड्रेस हमने कहाँ से ले लिया, पार फटौनी से, POC। ठीक है, एप्लीकेंट कंट्री कौन सी है, इंडिया। स्टेट कौन सा है, UP, उत्तर प्रदेश। नेशनलिटी कहाँ की है, इंडिया। मल्टीपल एप्लीकेंट है, यहाँ पर टॉर्नी का मोबाइल नंबर। यहाँ करेंगे इस फॉर्म को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसका क्या ले लेंगे, प्रिंट लेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे, इसका प्रिंट ले लेंगे। और देखो ट्रेडमार्क का जो डिजाइन का जो ऑफिस है कौन सा है, कोलकाता, एक ही ऑफिस है इसका। इसका क्या ले लेंगे हम, प्रिंट लेंगे। ये देखो इसका क्या ले लेंगे, प्रिंट ले लेंगे। यहाँ प्रिंट दिख रहा है आपको,
यस सेम ऐसा ही आ रखा है, ये देखो जो मैंने ऑलरेडी लेके साइन करवा के रखा हुआ है सेम है ना, यस ठीक है सेम है, अब मैंने बस ये साइन करा हुआ है, सारी चीज डिटो वही सेम है जो हमने यहाँ पर क्रिएट की। अब इसको इसको सेव कर लोगे, एक नंबर दो पीओए, नंबर तीन रिप्रेजेंटेशन शीट, बोलो एक फॉर्म वन एक रिप्रेजेंटेशन शीट, फॉर्म वन रिप्रेजेंटेशन पीओए पीओए। अब यहाँ पर आपके साइन चलेंगे ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे पास होगी और नीचे क्लाइंट के भी करा लो, सेफ साइड एंड नहीं कराओ तो भी चलेगा, पर रिप्रेजेंटेशन शीट में और पीओ में क्लाइंट के साइन होने चाहिए, वो हमने करा के यहाँ पर रखे हुए हैं, ये हमारी पीओए है ठीक है, और ये हमारी रिप्रेजेंटेशन शीट है जो हमने पहले ही करके रखी है। अब ये तीनों चीज हमें क्या करनी है, अपलोड करनी है ठीक है ना, इसका प्रिंट लेके हमने रखा हुआ पहले ही, तो हम क्या करेंगे फिर अपलोड पे जाएंगे, अपलोड पे आपको सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन कौन से, ये फॉर्म 24 ये सब अभी मत देखो, ये अदर डॉक्यूमेंट है, अदर डॉक्यूमेंट में जैसे आपके पास कोई और है पैम अपनी कैटलॉग पड़ी हुई है, कुछ और प्रूफ देने हैं वो डाल सकते हो, आप पहले से यूज कर रहे हो तो प्रायोरिटी के डॉक्यूमेंट दे सकते हो कि हम 2010 से मान लो इसको यूज कर रहे हैं, जैसे उसमें यूजर एफिडेविट डलता है ना ट्रेडमार्क में, यूजर एफिडेविट डलता है वैसे प्रायोरिटी यूज करते हैं। जैसे आएंगे ना एक चार पांच एप्लीकेशन कराऊंगा इसमें, ठीक है ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं अलग अलग तरीके की, ये सबसे सिंपल एप्लीकेशन ली है, तो यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी पे गए ये अपलोड कर दिया, फिर कहाँ गए, यहाँ पर क्या है ये देखो रिप्रेजेंटेशन शीट, क्या है ये मैंडेटरी है, तो रिप्रेजेंटेशन शीट डाल दी हमने, इसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, और तीसरा क्या था, फॉर्म वन जो साइन किया हुआ है वो हमने यहाँ रखा हुआ साइन करके है ना, पहले फॉर्म वन भरेंगे ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, देखो इसको क्या साइन के लिए, साइन के लिए ठीक है, और यहाँ से साइन कर देंगे। अब मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी साइन कर रखी है, बाकी आप क्योंकि पोर्टल पूरा चेंज करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे उसे साइन कर, साइन करने के बाद ये कहाँ पर आ जाएगी, पेमेंट में, जैसे इसको साइन करेंगे तो पेमेंट में आ जाएगी ऐसे ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे क्लिक करके हम क्या कर देंगे पे करेंगे, ये एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन है पर मैंने पहले साइन करके रखी हुई है ताकि आपको पेमेंट भी यहाँ इंटरफेस में दिखा सके, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ के बाद फिर वही अपना जो ट्रेडमार्क फाइल करते थे, अभी मैं आपको स्टेप्स भी नोट कराऊंगा, देखो ये खुल गया ना ट्रेडमार्क में भी ऐसी खुलता है, और इसमें कितनी फीस आ रही है, 1000 रुपए, 1000 वही सेम, यहाँ क्या करते हैं UPI ID, UPI से हम पे करा सकते हैं, ठीक है, और ये क्या जनरेट होगी हमारी पेमेंट रिसीप्ट, पेमेंट होगी, इसको यहाँ पर बोलते हैं CBR नंबर, यहाँ पर किसकी ट्रैकिंग होती है CBR नंबर, हाँ, और इसका ट्रैकिंग का पोर्टल भी अलग है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस डालेंगे यहाँ पर, और ये क्या मांगेगा आपसे, डिजाइन एप्लीकेशन स्टेटस,
यहाँ से आप चेक करोगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको जनरेट करने में, तो सीबीआर नंबर से भी आप ट्रैक कर सकते हो, ये थोड़ी देर में एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो आप। ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी, ये होता है डिजाइन फाइलिंग। अब डिजाइन फाइलिंग के बाद क्या होता है, ये इसको चेक करेंगे और चेक करके क्या कर सकते हैं, कई बार ऑब्जेक्शन निकालेंगे। ऑब्जेक्शन कहाँ आती है? हार्ड कॉपी में आती है। अब मेरे को वो फोटो खींच के डालनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्शन कैसे आती है, फिर उसका रिप्लाई कैसे फाइल होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये हम मंडे की क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार स्टेप समझते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होंगे। आपको दिख रहे हैं? नोटपैड दिख रहा है सर। दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा क्या होगा, हमारे पास काम आएगा क्या, पहले ये देखना है कि वो डिजाइन एक्ट उस पर लगता भी है या नहीं लगता, है ना। बहुत सारे लोग हैं तो सब वॉर टर्मिनोलॉजी को मिक्स करते हैं, कॉपीराइट को डिजाइन में करेंगे, कभी ट्रेडमार्क बोलेंगे, पेटेंट भी बोलने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है डिजाइन रजिस्ट्रेशन को, कौन जो उसकी फ्रेमवर्क में फॉल करता है या नहीं करता, उसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन किसका होता है, किसी भी आर्टिकल के आउटलुक का, उसके इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल आइटम डिजाइन का, उससे क्या होता है, उसके डिजाइन से क्या होता है, वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव बनता है। कार वगैरह के देखते हैं ना आप, ये वाला डिजाइन। तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे, स्टेप वन देखेंगे हम क्या करेंगे कि वो डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेबिलिटी है कि, जैसे बहुत सारी चीजों का रजिस्ट्रेशन होता भी नहीं है, देखेंगे कि ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। बहुत सारी चीजों का, जैसे बिल्डिंग की डिजाइन है, वो डिजाइन एक्ट में नहीं आएगा, स्टैंप हो गया वो भी नहीं आती इसमें। फिर दूसरा क्या है, एक बार होने के बाद आपको पता चल गया कि हाँ जी इसमें फॉल करता है, तो उसके बाद क्या करोगे, आप डॉक्यूमेंट मांगोगे पार्टी से। क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे, एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, किसको क्या बनाने के लिए, पीओए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, उसके 360 डिग्री व्यूज में क्या चाहिए, उसकी फोटो चाहिए, फ्रंट बैक टॉप आगे पीछे हर तरह की। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको उससे चाहिए। उस बेस पे फिर आप सबसे पहले क्या तैयार करोगे, पारा फॉर अटॉर्नी बताओगे, जो मैंने आपको भी ड्रॉ करके बताई है ना। तो पारा फॉर अटॉर्नी आप बना दोगे कुछ इस तरह से, ये वर्ड फाइल आपको मिल जाएगी। पारा फॉर अटॉर्नी बनने के बाद आप क्या करोगे, फिर उसे साइन करवाओगे और नोटराइज करवा लोगे, और फिर क्या तैयार करोगे, फॉर्म वन। ये फॉर्म वन है जो मैंने आपको अभी फिल लाइव फाइल करके दिखाया यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म वन फिर क्या करोगे, पारा फॉर अटॉर्नी रेडी करने के बाद फॉर्म वन रेडी करोगे। और एक और चीज क्या चाहिए होती है आपको, बोलो। फॉर्म वन हो गया, पीओए और रिप्रेजेंटेशन शीट। रिप्रेजेंटेशन शीट चाहिए होती है। रिप्रेजेंटेशन शीट में क्या होता है, सारे प्रोडक्ट लगे हो, ये देखो जितनी भी इमेज, जिस टाइप की इमेज है, सारी इमेज उसके अंदर मेंशन होती है। इमेज होती है और एक डिक्लेरेशन से नीचे लिख देते हैं कि हाँ भाई ये न्यू है, सारी चीजें ये लिखी जाती है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन शीट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड और पीओए बनाओगे 360 में, यहीं पर 360 व्यू के लिए चाहिए होता है। इससे क्या बनता है हमारा, यही समझा देते हैं। यहाँ बैठ, यहाँ पर व्यू में क्या बनता है, रिप्रेजेंटेशन शीट। ठीक है, यहाँ से शीट हो गया, तो तीन डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने पड़ते हैं, फॉर्म वन जो एप्लीकेशन होती है, और पावर ऑफ अटॉर्नी और रिप्रेजेंटेशन शीट। ये तीनों चीजें हमने इसमें डाल दी, डालने के बाद हमने इसे
अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बबाद डिजिटली साइन करके 1000 रुपए की फीस लगी। क्यों लगी? क्योंकि ये इंडिविजुअल है, ठीक है। जैसे हमने पे की, हमें क्या जनरेट होगी? रिसीप्ट जनरेट होगी, ठीक है। इस रिसीप्ट पे क्या लिखा हुआ है? ये एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको ट्रैक करना है तो आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पर डालेंगे ये एप्लीकेशन नंबर और देखेंगे। सर इसमें डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं क्या क्या अपलोड हुए हैं, जैसे बाहर से चेक करते हैं ट्रेडमार्क वाले? देखो आ गया ना प्लीकेंट का नाम, अभी हमने फाइल किया 5 मिनट पहले 29/6 को 3:44 में, तो फूल जा और क्या है अंडर प्रोसेस आ गई है, वेटिंग फॉर टेक्निकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी इसे चेक करेंगे, या तो पब्लिश कर देंगे और या फिर क्या करेंगे, इस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो मेरे पास अटॉर्नी के पास एक लेटर आएगा ऑब्जेक्शन का, एक लेटर आता है, ठीक है। वो लेटर को क्या करेंगे, लेटर देखना कैसा होता है, ये दिखा दो अगर है तो। चलो आगे वाली वो रिप्लाई भी फाइल करवाएंगे, तो ऐसे लेटर आएगा, उसको आपको 3-6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है। और इसका एक ही ऑफिस है कोलकाता, ठीक है जी। रिप्लाई ऑनलाइन ही होता है, तो ये सिंपल सी एक एप्लीकेशन। बोलो सर, इसके डॉक्यूमेंट जैसे हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन नंबर डाल के डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं क्या क्या अपलोड हो रखे हैं, तो ऐसे इसमें ही पता लग जाता है एप्लीकेशन नंबर डालने से, ट्रैक करते हैं स्टेटस देख। अभी आप यहीं तक देखो, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, ठीक है ठीक है, एप्लीकेशन पता चल जाता है, बहुत कुछ पता चलेगा इसमें भी, सर्च हो जाता है, पर ये बहुत लिमिटेड सर्च हो पाता है, पर जितना भी हो पाता है हम देखते हैं, ठीक। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, डिजाइन एक्ट 2000 में फॉर्म 1 कैसे फाइल होगा, फाइलिंग तक हमने सीख ली है, और इसके थोड़े से और डिफरेंट वेरिएंट को और देखेंगे जैसे जैसे काम आएगा। रिप्लाई आया हुआ एग्जामिनेशन का, तो मंडे वाली क्लास में होगी, ठीक है जी। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? अब आपके डाउट तब होंगे, आपके डाउट तब आएंगे जब आप एक आधा काम उठाओ, काम उठाने के बाद उसको करो, नहीं आने पर, कोई प्रॉब्लम आने पर, मेरा जो ये नंबर है इस नंबर पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं फोन ना उठाऊं तो बुरा मत मानो, और इस व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, इस पे पिंग करो क्या इशू आ रहा है, जो भी फॉर्मेट चाहिए होंगे, जो भी रिप्लाई चाहिए होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है जी। तो सी यू ऑन मंडे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।